G23 ये सब वरिष्ठ नेता मैंने एकाठी है कांग्रेस रे गोटे कंपन आउ ये परिवारवाद को गोटे प्रकार विरोध सुक्त प्रदीप माझी जो कथा कहते हैं क्षमता उपभोग करते क्षमत थे से कौटी थे आगे स्वर उठाऊँ बदल जे दल को एक्जुट कर आवश्यकता अच्छी कमी देखुं सुक्त रविदास प्रदीप बाबू तर जहाँ वक्तव्य दे मुझे कहार ना से कंग्रेस अच्छा कि कथा हूँ जो मैंने कंग्रेस दल को देखी कांग्रेस दल को अनुधान कांग्रेस दल जे गत केते वर्ष भितरे दुर्बल आउ कांग्रेस वर्तमान जो दुर्बल स्थिति रे पहुंची से स्थिति कांग्रेस दल रे केबे नथिला दल गोटे निर्वाचन हारिबार बड़ कथा नुह गोटे निर्वाचन हारिगला पुणी जीतने जमी कह 2004 किए आनी से कार्य प्रश्न कले 2009 किए जीते मानने 10 वर्ष काल सरकार करते अर्थ नुहे जे कांग्रेस रे जहाँ चली ठीक चली कांग्रेस रे जहाँ व्यवस्था चली ठीक चली नुहे आम से कहानी आप देखो गोटे छोटिया कथार देखु गोटे गोटे छोट छोट घटना हो कांग्रेस दल नेता मैंने निश्चित भाव उपलब्धि कर जापार कौन थी कांग्रेस कांग्रेस 130 वर्ष दल एवं यार अवस्था भारत वर्ष एकमात्र जातीय दल भाव कि धीरे धीरे यह के संकुचित है भारत वर्ष अनेक राज्य अच्छी वर्तमान जो राज्य में कांग्रेस आ मुख्य प्लेयर है कि ना मुख्य शक्ति है कि ना जो से अवस्था कांग्रेस दल विषय जदि 23 जन लोक जो मैंने कांग्रेस वरिष्ठ नेता जहाँ प्रदीप बाबू निजे कहते मुझे जाने जे व्यक्तिगत भाव में अधिकांश जमी गुलाम नबी आजाद हूँ जमी आनंद शर्मा हूँ जेन मनीष तिवारी हूँ बानवाणी जो मैंने इंदिरा गांधी समय युवक छात्र संगठन युव संगठन भितर दे कांग्रेस दल भितर काम करते क्षमता पाई क्षमता मतलब उपयोग कर सत्य कितु यहाँ सत्य जे दलर जो अवस्था थी सी अवस्था द्रुत अवनति घटी ये अवनति जो क्वेश्चन करवा कौन बहुत खराब से मैंने गोटे क्वेश्चन कले ये 23 जन नेता गोटे प्रश्न कले चिठी लिखिले प्रश्न नुहे चिठी लिखिले सोनिया गांधी पाखंड जे दलर जन नेतृत्व स्पष्ट होगा दरकार सोनिया गांधी राहुल गांधी दायित्व नहीं थे दलर 2019 निर्वाचन पर निजाड़ इस्तफा देदेला सोनिया गांधी वस्तुत इंटरिम प्रेसिडेंट भाव में अच्छा एवं कांग्रेस वर्किंग कमिटी जो कहूँ जहाँ को प्रदीप बाबू जाना दरकार जी कांग्रेस हाइएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी मुझे भावी दीर्घ 10 वर्ष 20 वर्ष तरह निर्वाचन भी है एटा नॉमिनेटेड बॉडी कांग्रेस दल जो स्ट्रक्चर था मुझे एकदा कांग्रेस दल रही किदिन कम कांग्रेस दल जो स्ट्रक्चर था से कांग्रेस हाईकमांड कहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड को बुझाऊला ये जो हाईकमांड व्यक्ति नुहे हाईकमांड मीनस कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड किंतु कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड बर्तमान ना जो पार्लियामेंट बोर्ड टा स्थिर कै कौ राज्य में किए नेता हे राजनीतिक निष्पत्ति निए कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड 8 जन सदस्य था व्यवस्था को बिल्कुल उठेदे कांग्रेस वर्किंग कमिटी निर्वाचन होतीय स्तर निर्वाचन होदीप बाबू पचारूँ कांग्रेस दल में बड़ बड़ नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इंदिरा गांधी भी थे छात्री थे बहुत बहुत बड़ बड़ नेता कांग्रेस दल रही होती अतीतर थे 130 वर्ष दल महान महान नेता एवं एवं अच्छा मत कह कांग्रेस इतिहास कौन सी जड़े व्यक्ति कांग्रेस दल सभापति भाव में 20 वर्ष काल रही कई रही ना कई रही ना यहाँ व्यवस्था नुह कांग्रेस दल में राहुल गांधी दायित्व नहीं थे राहुल गांधी कहीं दायित्व गले माझी जो कथा कहते जे गांधी परिवार बिना कांग्रेस चली पार मान गांधी परिवार ही कांग्रेस को चलेब आई नुआ नेता आसबे ना मानसिकता प्रदीप बाबू भले जो युवक लोक ये मानसिकता गोटे दल नुह गए गणतांत्रिक दल हम के जो दल निष्पत्ति करदेव आप देखते महात्मा गांधी हेले कांग्रेस गोटे पीरियड सर्वकर्ता से कितना कांग्रेस दल सभापति ना महात्मा गांधी कांग्रेस दल सभापति थे कि ना सोनिया गांधी कांग्रेस दल सर्वकर्ता हिसाब से रही पारे सभापति नदी लोक मान भरोसा अच्छे राहुल गांधी भी रही पारे कथा हूँ कांग्रेस दलटा को तार जो ढांचा मौलिक ढांचा जो थे कांग्रेस दल होता युवक मैंने आसुले लोक मैंने कांग्रेस दल विश्वास को आग्रह प्रकाश करुले
ସେଇ ଯେଉଁ ବାତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେମିତି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାଇଛି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଯାଇଛି ସେଠି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏକଥା ଯେତେ 2000 ଯେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 2004 କୁହନ୍ତୁ 2009 କୁହନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ୍ଷମତା ପାଇବାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଥିଲା 42 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ